मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे नाश्ते के लिए बोलने के लिए, लेकिन मुझे नाश्ता नहीं करना है। परिधि मेरी बात तो सुनो। कुकवेर अब सुनने और सुनाने के लिए बच्चा क्या है? कल आप सभी ने मिलकर मुझे काफी ताने मारे और काफी कुछ सुनाया, फिर अब आप क्या सुनाने आई हैं मुझे? परी तुम्हें हो क्या गया? तुम भाभी की बात तक सुनने को तैयार नहीं? और फिर परी, परी हम सब तुम्हारे दुश्मन नहीं है। रहने दीजिए जिक्स, कल मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि कौन अपने और कौन पराए हैं। और कल जो कुछ भी हुआ ना, उससे एक बात तो तय है कि इस घर में जिसके मन में जो भी आता है वो आकर मुझे सुना सकता है, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। कोई मेरी बात सुनने में और ना ही समझने में इंटरेस्टेड है। तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है तुम बोले जा रही हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? कल तक नहीं था जिक्स, लेकिन आज आ गया है। परी चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। बस परी और देवर जी आप शांत रहिए, मैं परिधि से बात कर रही हूँ ना। इसमें क्या बात करनी है डैड, इतना सब तो काम कर रही हूँ मैं, अब और क्या सीखना है डैड? बड़ों से बात करना सीखना है तुम, और छोटी छोटी बातों में जो तुम ओवर रिएक्ट करती हो उसे बंद करो मेरा प्लीज। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें बचपन से लेकर अभी तक जॉइंट फैमिली के साथ रहने का मौका नहीं मिला, और ना ही इतने सारे काम करने की तुम्हें आदत है, लेकिन मेरा मॉम तुम्हारी दुश्मन नहीं, वो जो कुछ भी कर रही है तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। डैडी कैसी भलाई है जो दादी कर रही है, और सिर्फ मैं और विद्या ही क्यों? Just because we are girls, that's not fair, Dad. मुझे नहीं समझ में आता ये सब। मीरा, बात बेटी है बेटी की नहीं है। मॉम तुम दोनों से काम इसलिए करवाना चाहती ताकि तुम दोनों अपने पैरों पे खड़ी हो सको, अपने साथ साथ घर वालों का ख्याल रख सको। चलो चुपचाप खाना खाओ, और हाँ अपने आप को तोलू मोलू के साथ कंपेयर करना बंद करो, वो बचपन से इसी घर में पले भड़े, खाना बनाना भी जानते और घर के बाकी काम करना भी जानते। पता है क्यों? क्योंकि परिधि और काकी ने उन्हें सिखाया है, इसलिए। मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया, लेकिन मेरा बिलीव मी मॉम जो कुछ भी कर रही हैं बहुत सही कर रही है। आज भले ही तुम्हें ये सब कुछ करने में तकलीफ हो रही, लेकिन आगे जाके तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। बात सही गलत की नहीं है गोपबेन, सबने मिलकर मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाया, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। नहीं परिधि, तुम हम सबको गलत समझ रही हो, हम तुम पर आरोप नहीं लगा रहे, हम सबने तो बस इतना कहा कि तुम्हें दरवाजा बंद करने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे सपना तो नहीं आएगा ना गोपबेन कि कमरे के अंदर कोई है। अच्छा बाबा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और मेरी कही हुई बात अगर तुम्हें इतनी बुरी लगी है तो अगर तुम कहो तो मैं तुमसे माफी मांग लूं। अब चलो चलकर नाश्ता कर लो, चलो। परिधि चलो नीचे चलो, सब तुम्हारा खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लग रही डैड। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नाश्ता नहीं करना तो मत करो, ये लो। लेकिन हाँ ये छाछ तो पी लो, तुम्हारी छोटी बहन विद्या ने बनाई। मेरे को नहीं पीनी। मीरा देखो यार, मुझे ना थोड़ी देर के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए, ओके? अगर तुम हमारे साथ नीचे चलकर नाश्ता नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, कम से कम ये छाछ पी लो। मुझे नहीं चाहिए, और आप सब लोग यहाँ से जाओ। बस करिए भाप, इसके सामने और नाक रगड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतनी जिद्दी है कि किसी की बात नहीं माने। इससे बेहतर है इसे ऐसे ही रहने दीजिए,
नहीं देवर जी, जब तक परिधि ये छाछ नहीं पिएगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। डैड। परिधि, जिद छोड़ो और ये छाछ पी लो। नहीं पीनी मुझे। प्लीज। आप यहाँ से जाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मॉम प्लीज, इसे छोड़ दो। मॉम चलिए चलिए छाछ पीजिए चलिए। ना ही मुझे कुछ खाना है और ना ही मुझे कुछ पीना है। लगता है कि परिधि अपनी जिद पर अड़ी हुई है मोटा भाभी कि वो कुछ नहीं खाएगी पिएगी, इसलिए तो गोपी वो के साथ नाश्ता करने भी नहीं आ रही है। कोकिला, अहम भी तो कब से गया है मीरा के पास, वो भी तो नहीं लौटा। काकी बद्री जी दोनों ही जिद्दी हैं। क्या बात है अहम दिकरा, मीरा नहीं आई तुम्हारे साथ यहाँ नाश्ता करने? मॉम बस साजे की थोड़ी देर। सारू मॉम प्लीज 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 छाछ पी लो, आप जब कहते हो हम आपकी सारी बात मानते हैं ना। इसलिए मॉम इस बार आप हमारी बात मानिए, चलिए ये छाछ पीजिए। तोलू मोलू तुम दोनों को एक बार में बात समझ में नहीं आती। परिधि, अगर तुम इसी तरह बच्चों की तरह बर्ताव करोगी तो हमें भी तुम्हारे साथ उसी तरह से बर्ताव करना पड़ेगा। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? अभी समझाते। तोलू मोलू, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाथ छोड़ो। बड़ी मॉम, अटैक। नहीं कोबी बेन, ये आप क्या कर रही है? मैं मुझे नहीं पीना। मुख खोलो, नहीं खोलो, मुख खोलो, मुख। तुम लोगों की मॉम तो राशि से भी छोटी बच्ची बन गई है। याद है आपको जब हम छोटे थे आप हमें इसी तरह से दवाई पिलाया करती थी। पियो 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 पियो। परिधि, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, तुम्हें तो ये छाछ पीनी ही पड़ेगी। थैंक यू। बस परिधि, तुम तो ऐसा कर रही हो जिससे कि ये छाछ नहीं सच्ची है, तुम्हें कोई दवाई पिला रही हूं मैं। अरे हमारा मिशन कंप्लीट। थ्री चीयर्स फॉर बड़ी माँ। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। छाछ छाछ में क्या था? परिधि अब नाटक बंद करो, क्या था मतलब क्या? नहीं, इसमें कुछ मिलाया गया था गोभी में। मिलाया गया है? चेक करो। हे भगवान, इसमें तो फिनाइल की बदबू आ रही है। तोलू तोलू जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। परिधि परिधि संभालो खुद को, परिधि उल्टी करो, संभालो अपने आप को, डॉक्टर अभी आते ही होंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नीचे भी तो सब लोग यही यही छाछ पीने वाले। माँ जी जाओ बड़ी मामा। मॉम 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 क्या हो गया? मॉम गोपी, माँ ये छाछ कोई नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि इस छाछ में फिनाइल मिला हुआ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गोपी बहू? हाँ माँ जी, ये छाछ अभी अभी परिधि ने भी पिया है और तब हमें पता चला कि इस छाछ में फिनाइल है। फिनाइल? अरे आप तो शूच है। फई आपके लिए और पप्पू के लिए। हाँ? देखते पानी रख दो, किंजल में पी लूंगा। वाह पापा, ये शर्ट तो कितनी सुंदर है।
मेरा बेटा है ही इतना हैंडसम, तो उसके लिए जो भी आएगा वो तो अच्छा आना ही चाहिए। सच कही दादी, कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम राजा नो कुवर लागे छे। हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर है। बहुत महंगा भी होगा ना भाई? इतनी महंगी ड्रेस तो आपके लिए बनती है। थैंकू थैंकू, अब मैं इसे कल पहनूंगी। क्यों, कल क्या कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? हाँ पप्पू, कल मेरे कुछ दोस्त दोपहर को लंच पे आ रहे हैं। और वैसे भी अब तो हमारे यहाँ कामकाज करने वाली आ ही गई है। पर फई, वो जो काम करने वाली है, अगर उसने खाना बनाया तो मुझे लगता है कि मेरे सारे दोस्त बीमार पड़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें ये रिस्क लेना चाहिए। खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं। थबल जी, आप ये घुमा घुमा के क्या बात कर रहे हैं? सीधी तरह कहिए ना कि आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने कब कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। कल जब आपके दोस्त आएंगे तो उनके लिए खाना मैं ही बनाऊंगी, फिर आप देखना किस तरह वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।